दोस्तों स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजोन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्निंग ऐप की सीरीज़ में कि यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें ये जो पेज मिलता है डैशबोर्ड का, इसके बाद हमारा प्रोफाइल पेज भी हमने पिछले वीडियो में बना लिया है एंड यहाँ पर हमारा ड्राइवर भी बनकर कम्प्लीट हो चुका है। तो इतना सारा हम लोग का काम कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद रहा अब अर्निंग पेज की बारी। अर्निंग पेज को हम लोग बनाएंगे इसमें और ये प्रोफाइल पेज में जब हम कोडिंग करेंगे, इसके ब्लॉक बिल्डिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसा सही हो जाएगा एंड यहाँ पर इसकी भी जब हम लोग कोडिंग करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए आज हम अर्निंग ऐप की अर्निंग पेज बनाते हैं। तो इसके पहले हमें जाना है सबसे पहले स्केचवेयर में एंड स्केचवेयर में जाने के बाद इस ऐप को हमें ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको चले जाना है कहाँ पे, वैलेट एक्सएमएल में, क्योंकि यूज़र ऑथ तो बन चुका है, ये कम्प्लीट है पूरा एंड हमारा अब वैलेट एक्सएमएल बचा हुआ है। तो वैलेट एक्सएमएल में हम काम कर लेंगे। सबसे पहले हमें एक लीनियर एच लेना होगा। लीनियर एच लेने के बाद इसके हाइट को आपको करना होगा 290 dp। ओके, 290 dp का आपको कर लेना है एंड इसके बाद इसकी पैडिंग को आपको कर लेना है जीरो। पैडिंग को जीरो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको बैकग्राउंड रिसोर्स लगा लेना है। यहाँ से बैकग्राउंड रिसोर्स मैं इस इमेज को फ़िलहाल लगा लेता हूँ और ऐसे ऐसे बहुत सारे इमेज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, तो आपको जिस भी कलर का इमेज चाहिए आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। नीचे चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जा कर के आप टेलीग्राम चैनल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें आपको एक लीनियर एज लेना है एंड इसके बाद इस लीनियर की आपको ओरिएंटेशन को आपको कर देना होगा वर्टिकल। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसके अंदर आपको पहले इसके पैडिंग को आपको करना होगा जीरो। तो मैं पैडिंग को जीरो कर लिया हूँ एंड इसके बाद आपको एक इमेज व्यू इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इसके बाद इस इमेज व्यू की विड्थ होगी आपकी 50 dp एंड इसके बाद इसकी हाइट भी होगी आपको 50 dp एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वाइट कलर वाला जो मैंने इमेज लगाया हुआ था ऐसा कलर का, आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये वाला इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसकी बैकग्राउंड आप ब्लैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप इसकी बैकग्राउंड को भी कुछ कलर ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल मैं क्या करना हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर बैक करने का ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर नेम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट व्यू लगा लेना है ऐसे, और टेक्स्ट व्यू में आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन रखना है। मार्जिन आपको इधर लेफ्ट में कर लेना है 30 dp। ओके, इसके बाद आपको इस टेक्स्ट व्यू को क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के हाइट को कर लेना है मैच पैरेंट, विड्थ को भी कर लेना है आपको मैच पैरेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेविटी में जाना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल कर लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल नहीं। ओके, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके बाद हमें इस टेक्स्ट व्यू के कलर को चेंज कर लेना होगा। टेक्स्ट व्यू के कलर को हम कर लेंगे वाइट एंड टेक्स्ट व्यू के स्टाइल को हम लोग बोल्ड करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे 14 sp। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माई अर्निंग्स ERNINGS माई अर्निंग्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा एंड यूज़र यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक करेगा तो बैक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब इसमें वर्क करने वाले हैं। तो इसमें क्या वर्क करेंगे, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर एक आपको इमेज व्यू इंसर्ट करना है, ये आपका इमेज व्यू है एंड यहाँ पर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू जो कि यूज़र का नेम रहेगा एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लीनियर एज लेके आ जाना ऐसे, और यहाँ पर लीनियर एज लेने के बाद आपको इसमें एक बटन लगाना है इसके अंदर में। तो जैसे आप बटन लगा लेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फिर से टेक्स्ट व्यू लगाना है एंड यहाँ पर फिर से आपको एक टेक्स्ट व्यू लगाना है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर यूज़र का नाम रहेगा, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसे रीनेम कर लेता हूँ HELLO हेलो करके और स्पेस लगाने के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर यूज़र का नेम रहेगा, हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि यूज़र को दिखे अच्छे से। इसके बाद हमें ये बटन है हमारा, तो बटन पे हम क्या करने वाले हैं, बटन के नेम को हम रीनेम करेंगे, ये बड़ा रहेगा REDEEM रिडीम रिडीम मनी ऐसा करके हम लोग लगा सकते हैं, या फिर रिडीम पॉइंट्स, जो भी आप पॉइंट वगैरह जो भी दीजिएगा तो वो आप लगा सकते हैं। एंड इसके बाद इस पर इस लीनियर पर आपको क्लिक करके इसके ओरिएंटेशन ग्रेविटी को आपको कर लेना है सेंटर वर्टिकल एंड इधर आपको राइट में कर लेना है। तो ऐसा आप करेंगे तो ये इधर आ जाएगा एंड इसके बाद अब हमारा ये टेक्स्ट व्यू है, तो इस टेक्स्ट व्यू में हम कर लेंगे टोटल अर्निंग्स। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल अर्निंग्स होगा, इसे हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर लेंगे, आप जो भी कलर इसको मर्जी रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके हाइट को आपको कर लेना है मैच पैरेंट
और इसके विड्थ को भी आपको कर लेना है मैच पैरेंट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आपको इसकी ग्रेविटी को कर लेना है सेंटर वर्टिकल और छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद 00.00 ऐसे करके आपको सेव कर लेना है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर रुपए का भी सिंबल लगा सकते हैं। शुरू में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे करके आप रुपए का सिंबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसके बाद आपको इस टैक्स साइज को बड़ा कर लेना होगा। 18 SP तक रखिए और टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर लीजिए और टेक्स्ट कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इतना आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो अब ये आपका इमेज है, तो इमेज को हमें करना होगा। तो पहले इसकी पैडिंग को हम करते हैं 0, पैडिंग का हमारा हो जाएगा 0 इसका। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, इसमें देखना है ये थोड़ा सा हम नीचे करेंगे और डाउन कर लेंगे। तो इस इमेज को हम मार्जिन पर सेट करेंगे। मार्जिन में हमें लेफ्ट में रखना होगा 40 और राइट में कुछ नहीं, टॉप में आपको कर लेना होगा 20 और बॉटम में आपको कर लेना होगा 10। तो इतना आप करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो जाएगा, आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आपका ये नाम रह रहा है, तो नाम की भी हमें मार्जिन सेट कर लेनी है। नाम में हमें क्या करना है, बस लेफ्ट में सेट करना है, लेफ्ट में आपको 40 कर लेना है। तो इतना करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा। ये यूज़र का प्रोफाइल रहेगा। इसके विड्थ हाइट को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। इसकी 40-40 हम लोग को कर लेना है विड्थ हाइट को। सर ये 40 में काफ़ी छोटा हो रहा है, तो हम इसे 50-50 कर लेते हैं। तो ये 50 में उम्मीद है कि अच्छा बन जाएगा, अपने मर्ज़ी से हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लीनियर एज ला करके ड्रॉप करना है। इसके बाद फिर आपको एक लीनियर एज ड्रॉप करना है। इस लीनियर एज की आपको क्या करना है, मार्जिन पर जाना है और मार्जिन पर आपको सेट करना होगा, टॉप में आपको रखना है 30 और राइट में कुछ नहीं करना है, बॉटम में भी आपको 30 कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपका कुछ ये बीच में मार्जिन जैसा बन जाएगा। इसके बाद इसकी हाइट को आपको कर लेना होगा, हाइट 180 dp, ठीक है। तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसमें आप इमेज लगाएंगे यहाँ पर रेफर एंड अर्न वाला, कि आप इसे रेफर करेंगे और पैसे कमाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन लगाना है और बटन लगाने के बाद बटन के विड्थ को आप कर लेंगे मैच पैरेंट मत करिए, इसके विड्थ को आप कर लीजिए 250। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टैप करने के बाद आपको इसकी ग्रेविटी को सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल कर लेना है, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बटन बन जाएगा और यहाँ पर आपका वो इमेज लगाएंगे हम लोग बाद में। फिलहाल हमें इमेज व्यू लगा करके यहाँ पर छोड़ देना है। तो इमेज व्यू में हम लोग क्या करेंगे, इसके विड्थ हाइट को हम लोग मैच पैरेंट कर लेंगे, विड्थ हाइट को हम लोग मैच पैरेंट कर लेंगे और बस इसे हम लोग छोड़ देंगे ऐसा ही। इसमें हम लोग स्केल टाइप में फिट XY कर लेंगे ताकि ये फिट रहे इसमें, ओके। इसके बाद हमारा ये पेज अभी तक कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद अब हमें बच गया कि इसकी ब्लॉक बिल्डिंग करनी है। तो देन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। और पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।